सही में विकास की राजनीति है क्या? ये नाम बड़ा अच्छा दिया जाता है क्या, कि पूंजीवाद से मुक्ति के लिए नक्सलवाद जरूरी है, और इस नक्सलवाद के नाम से उस पूरे क्षेत्र में न सड़क बनने दिया जाएगा, न बिजली आने दिया जाएगी, न पानी की कोई व्यवस्था होगी, न कोई इंस्टीट्यूशन वहां खुलेंगे, ना कोई हॉस्पिटल वहां खुलेगा। अरे जब सड़क, बिजली, पानी, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल सब कुछ नहीं बनेगा तो विकास कैसे होगा? तो एक तरफ बंदूक की नोक पर इस सारे विकास के सारे रस्तों को हम रोकते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। एक ढंग से बंदूक की नोक पर नक्सलवाद का एक बहुत अच्छा सा नाम देकर सामान्य गरीब जनता को अपनी रोटी कैसे सेक सकते हैं, इस प्रकार से प्रयास पूरा चल रहा है। क्या देश की इन सारी समस्याओं को भी एक जागरूक युवा होने के नाते और किसी भी प्रकार के विकास में यदि बाधा यदि कोई बनती है तो क्या बनती है? अरुण शौरी जी ने एक किताब लिखी, उसमें वो कहते हैं कि पेड़ बहुत अच्छा है लेकिन उसको दीमक यदि लग जाए तो वो वृक्ष कब गिर जाएगा ये कोई बता नहीं सकता है। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप कितने भी विकसित हो जाइए लेकिन जब तक देश सुरक्षित नहीं है इस विकास का कोई भी उपयोग नहीं है। तो देश की सुरक्षा और देश का विकास ये कोई अलग नहीं हो सकता है। इसलिए जब जब हम विकास की बात करेंगे तब तब देश सुरक्षित होना ही चाहिए, देश की आंतरिक सुरक्षा ये मजबूत होनी ही चाहिए।